नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में चना दाल पालक बनाने जा रहे हैं, जो टेस्टी होने का हेल्दी भी है। दाल में लगने वाली सामग्री है, एक कटोरी चना दाल ले ली है, उसको हमने 2 घंटे भिगो लिया है, 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 किलो पालक जिसके हमने डंडा निकाल के पत्ते लिए हैं उसको अच्छे धोकर बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 5 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 टुकड़ा अदरक का जिसको हमने बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 टुकड़े साबुत लाल मिर्च जिसको हमने तोड़ लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच देसी घी और 1 ही बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लिया। तो सबसे पहले हमने दाल को उबालेंगे, तो उसके लिए गैस ऑन करके कुकर रखेंगे। कुकर में हमने चने की दाल डाली है, एक कटोरी हमने दाल ली है, 1/2 कटोरी हमने पानी लेना है। इसमें हमने थोड़ा नमक डाल देंगे, थोड़ा हमने बाद में डालना है, हल्दी पाउडर भी 1/2 चम्मच अभी डाल देंगे। थोड़ा तेल डाल देंगे 1/2 चम्मच, हींग, इन सबको हमने अच्छे से मिलाना है। और फिर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। मध्यम आंच में हमने इसको 1 सीटी आने तक पकाना है। इसको ज्यादा सीटी इसलिए लगाएंगे क्योंकि दाल बिल्कुल गलानी नहीं चाहिए। एक सीटी आ चुकी है, गैस बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे, यानी स्टीम निकलने देंगे। तब तक हम पालक को पका लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रखती है। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल देंगे। पहले हमने तेल को अच्छे से गर्म होने देना है क्योंकि कच्चे सरसों के तेल में अच्छा टेस्ट नहीं आता है सब्जी का। सरसों का तेल अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हमने देसी घी डाल देंगे। देसी घी को भी हमने पिघलने तक गर्म करना है। घी भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हमने जीरा डाल देना है। साबुत जीरा डालने के बाद हम साबुत सूखी लाल मिर्च डालेंगे तोड़ के। आंच को मध्यम कर लेंगे। मिर्ची को भी थोड़ा भूनना है। मिर्ची को भूनने के बाद फिर हम बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे, लहसुन,
तो हमें तब तक भूनना जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाता लहसुन और इनकी कच्ची महक नहीं चली जाती। लहसुन अदरक ब्राउन हो गए हैं, उनकी कच्ची महक चली गई है। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी सुनहरा होने तक भूनना है। प्याज भी भून चुका है, लाल हो गया है। अब इसमें हमने टमाटर डाल देंगे। थोड़ा नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं और अच्छे से पक भी जाता है। टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर नरम नहीं हो जाते और तेल नहीं छोड़ देता। टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हमने हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद हमने पालक डाल देंगे। आज को टेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने दाल में भी डाला हुआ है। एक मिनट तक हमने मसाले में पालक को भूनना है तेज आंच में। पालक को भूनते हुए एक मिनट हो गया है। अब आंच को हमने कम करना है। कम आंच में हमने ढक्कन लगा देना है कढ़ाई में और पालक को हमें तब तक पकाना है जब तक कि पालक अच्छे से नरम नहीं हो जाती। बीच बीच में हम पालक को चलाते रहे हैं और पालक अच्छे से पक चुका है। पालक में घी भी छोड़ दिया तेल। अब इसमें हमने गरम मसाला डाल देंगे, धनिया पाउडर, पालक में अच्छे से मिलाएंगे। कुकर में से स्टीम भी निकल चुकी है। कुकर का ढक्कन खोल देंगे। दाल भी हमारी पक चुकी है, देखिए। इसको हमने पालक में डाल देंगे। एक मिनट लगातार चलाते हमने दाल और पालक को भूनना है। पालक को और दाल को भूनते हुए एक मिनट हो गया है। इसमें हमने एक छोटी कटोरी पानी डाल देंगे। कम आंच में हमने इसको लगभग 2 मिनट पकाना है। दाल को पकते हुए 2 मिनट हो गया है। दाल पालक बनके तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और दाल पालक को सर्व करेंगे। चना दाल पालक
बनके तैयार है। ये बाकी बहुत टेस्टी बनता है, इसे घर पे जरूर बनाएं और इसे रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूले, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक तो पहले पहुँच सके। धन्यवाद।